एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट ऑफ वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पापड़ी नालंदा बिहार। करेंटली आई एम स्टडिंग इन थर्ड ईयर। आज हम आप लोगों से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करना चाहते हैं कि आखिर मैंने कैसे नीट का तैयारी किया, क्रैक किया और कैसे करना चाहिए, और कैसे आप भी नीट का तैयारी ईजिली करके और उसे क्रैक कर सकते हो। मैंने 2014 में पटना जाके फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया था। 2 साल फाउंडेशन किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नीट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टारगेट बैच में फिजिक्स का क्लासेस की, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सेल्फ स्टडी किया रूम पे बैठ के। तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर हो जाने के कारण फिर हमको टारगेट में 73% नंबर आया और देन नीट में मेरा सिलेक्शन हो गया और आज हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि कैसे आप भी तैयारी करो और नीट को क्रैक कर सकते हो आसानी से। आप घर पे होंगे, बहुत सारे लोग इस कोरोना पैंडमिक सिचुएशन के कारण फंसे होंगे, आप नहीं जा सकते हो, क्लासेस बंद है। बहुत लोग सोच रहे हो कि यार क्या चौपट हो गया, पढ़ाई कैसे तैयारी करें, कैसे करना है, फिजिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना वास्ट सोचते हो, बट तो फिजिक्स है नहीं वास्ट, बट सोचते हो कैसे पढ़े फिजिक्स। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो इवन हैंडल हो जाएगा, बट फिजिक्स तो कैसे करें। तो हम बताते हैं आज की नॉट सो हार्ड फिजिक्स इज जो आपको लगता है। यदि आपको एक अच्छा टीचर्स का गाइडलाइन मिलता है और स्मार्ट वर्क करते हो ना, तो आसानी से हो सकता है, आप क्रैक कर सकते हो नीट को घर पे बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस करके। जो मैं बोल रहा हूँ कि आप घर पे बैठो, बायोलॉजी के लिए तो कुछ नहीं है, आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ो 11th और 12th का, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं तो हो जाएगा बायोलॉजी का काम खत्म। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फुल्ली आप बुक पढ़ो, एनसीईआरटी का सर का नोट्स पढ़ो जो आपने पढ़ाई किया है, और केमिस्ट्री और में अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो वो करो। बट फिजिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि फिजिक्स करना है, सो क्रैक करना है। तो जो मैंने तैयारी किया था फिजिक्स का ना, कि टारगेट में पटना से मैंने तैयारी किया था, फिर MBBS का मतलब नीट का तैयारी किया था, और नितेश सर के यहाँ physics.com जो कि पटना में पढ़ाते हैं उनके यहाँ से फिजिक्स का क्लासेस किया था, और उन्हीं के कारण मुझे नीट में फिजिक्स में 130 मार्क्स आया और फाइनली 74% के अराउंड मार्क्स के बदौलत हम आज मेडिकल कॉलेज में हैं। तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड हिम ऐप, नितेश सर का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, इजी फिजिक्स करके नाम है, इजी फिजिक्स। तो उसमें सर बहुत अच्छे से सारे लेक्चर्स को दिए हैं, लाइव वीडियो लेते हैं, लाइव क्लासेस का वीडियो लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, और टेस्ट भी होते हैं, और उनके सारे बुक्स हैं। सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि वो अपने टेस्ट वो अपने बुक्स में, अपने नोट्स में पूरे हिंदी में लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ऐसे लैंग्वेज में लिखे हैं ना कि आपको लगेगा सबको समझ में आ जाएगा, और वो ना फिजिक्स को ईजी बना देते हैं, जस्ट लाइक बहुत अच्छे से फिजिक्स को हैंडल करते हैं। तो यदि आपका फिजिक्स वीक है और आप फिजिक्स अच्छा से करना चाहते हो तो मस्ट गो फॉर ईजी फिजिक्स। प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर, सर का पढ़ाने का तरीका आप देखोगे ना, सच में बहुत अच्छा, आप समझ जाओगे। हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में फिजिक्स में 9 मार्क्स आया था, सेकेंड अटैम्प्ट में 2017 में जब हम नीट का एग्ज़ाम दिए तो फिजिक्स में 130 मार्क्स आया था ड्यू टू ऑफ नितेश। तो ये फिजिक्स डाउनलोड कीजिए, आप सर से भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्ट, प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी क्लियर कर सकते हैं, और घर पे बैठे अच्छे से नीट का तैयारी कर सकते हैं। नोट हार्ड, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए,
और क्वेश्चन बैंक सारे बना लीजिए प्रीवियस ईयर का, और दिशा आईटी का ए ट्रिपली का क्वेश्चन बैंक बनाइए, बिकॉज आप फिजिक्स में तो यू नो आईटी ए ट्रिपली से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और नितेश शर्मा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आई ट्रिपली का करवाते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक का तैयारी करवाते हैं, कोई और बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा हूँ कि घर पे बैठो ऑनलाइन क्लासेस कीजिए अच्छे से, फिजिक्स का क्लासेस कर सकते हैं आप, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नितेश शर्मा मैंने पढ़ाई किया physics.com, his app अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, कैन डाउनलोड इट एजी फिजिक्स एंड कैन सब्सक्राइब इट एंड देन पढ़िए, वहाँ से क्लासेस कीजिए। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल है, टारगेट कोर्सेज अवेलेबल है, और यू कैन प्रिपेयर द फॉर द नीट एग्ज़ाम ईजली एंड यू कैन ईजली क्रैक इट। ईमानदारी होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, बस तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चाहे वो आप घर पर क्यों ना बैठ के तैयारी कर रहे हो, बस दिल में जज्बा होनी चाहिए यार। बस ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।